तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देख करते हैं तो मालूम होगा कि मैं आज के इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों थंबनेल देखकर आपको यह पता हो गया होगा, जैसे कि मैंने थंबनेल पर लिखा है कि यह जो ट्वीट है यह गूगल का जो है पहला ट्वीट है, जो कि दोस्तों आपको जो भाषा दिख रहा है दोस्तों आपको शायद ना मालूम होगा किस भाषा में लिखा हुआ है, मगर दोस्तों आपको तो ये तो मालूम होगा कि हाँ ये गूगल का ट्वीट जो है यह पहला ट्वीट है, मगर ये तो मालूम हो गया। मगर दोस्तों क्या आपको ये मालूम है जो ट्वीट लिखा हुआ आखिर किस भाषा में लिखा हुआ है? अगर जो भाषा में लिखा हुआ है आखिर इसका मतलब क्या होता है, इसका संदेश क्या होता है, इसकी लिखावट जो है हमें क्या संदेश देती है, इसका मतलब असल में क्या होता है, इसका फुल नेम क्या होता है? दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि दोस्तों यह गूगल का पहला ट्वीट होने के साथ साथ यह जो लिखावट है यह किस भाषा में है और इसका मतलब क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों आप हमारे तक बने रहे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम चरसर, आपको स्वागत है मेरे चैनल टेक टेट्रा में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पर देखा होगा कि मैंने वहां पर लिखा है कि यह गूगल का जो है पहला ट्वीट है, और उसके नीचे जो लिखा है आपको 10010 मतलब कुछ करके या 3-4 लाइन में आपको वहां पर ट्वीट जो पहला ट्वीट था वो लिखा हुआ है। दोस्तों आपको तो ये मालूम होगा कि हाँ ये पहला ट्वीट है, मगर दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, ये किस भाषा में लिखा हुआ है? तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ आखिर किस भाषा में इसका असल में पूरा मतलब होता क्या है। दोस्तों जो लिखा हुआ है ट्वीट, जो पहला ट्वीट है दोस्तों, असल में ये लिखा हुआ है बाइनरी कोड में, लिखा हुआ है बाइनरी संख्या में लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आप हाई स्कूल इंटर अगर पढ़ रहे होंगे तो दोस्तों आपको शायद बाइनरी संख्या थोड़ा बहुत जरूर पढ़े होंगे, मगर दोस्तों उससे अगली पढ़ाई भी किया, अगर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आपको जरूर दोस्तों बाइनरी संख्या जो है बाइनरी नंबर पढ़ने का मौका मिला होगा। दोस्तों अगर पढ़े तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो चलिए मैं बता देता हूँ। दोस्तों ये बाइनरी संख्या अगर आप प्रकार के जो अलग अलग बिट्स के रूप में होते, जो 8421 के मान से जो है हमें देखने को मिलता है, उसी के आधार पर जो बाइनरी संख्या में कोई भी संख्या जो है लिखने को मिलता है, जो कि 0 से लेकर F तक होते हैं, 15 संख्या होते हैं। तो दोस्तों उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो है एक बाइनरी संख्या में इसका संदेश दिया गया है। अब बात आती है दोस्तों कि आखिर इसका पूरा नाम क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों और न देर करते हुए चलिए मैं बता देता हूँ कि दोस्तों आखिर में पूरा नाम क्या है। दोस्तों ये जो बाइनरी संख्या में आप ट्वीट देख रहे हैं दोस्तों, इसका पूरा मतलब है दोस्तों, जैसे कि पहले स्टार्टिंग में लिखा IM बट्स, दोस्तों उसका आगे का जो पूरा मतलब है दोस्तों, उसका पूरा नाम है दोस्तों IM फीलिंग लकी। तो दोस्तों जो पूरा लिखा है उसका मतलब है IM फीलिंग लकी, मतलब मैं लकी, मतलब मैं भाग्यवान महसूस कर रहा हूँ, मतलब इसका दोस्तों मेरे उतना इंग्लिश नहीं, मतलब मेरे हिसाब से मतलब इसका मतलब यही होगा। दोस्तों अगर आपको कुछ दूसरा होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रहा इसका मतलब, कि अगर कोई पूछे कि दोस्तों इसका मतलब पूरा क्या है, गूगल का पहला ट्वीट अगर कोई किसी को दिखाएगा पूछेगा इसका मतलब क्या, अगर उसको मालूम हो तो बता देगा, नहीं मालूम तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि इसका पूरा मतलब होता है IM फीलिंग लकी, जो एक बाइनरी कोड में यह ट्वीट लिखा गया है। तो दोस्तों ये छोटी जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था दोस्तों, अगर आपको पहले से मालूम था तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं मालूम होते दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम हो गया होगा। दोस्तों साथ में वीडियो को भी अच्छा लगा होगा, दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर चैनल पर नया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे, वीडियो को जो सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट इंप्रेसिव वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, हर हर महादेव।